वाई स्टडी ऑपरेशन मैनेजमेंट दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली इज वन ऑफ द थ्री मेजर फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है लट से बैंकिंग के अंदर हम फील सोचते हैं कि जी बैंकिंग इज फाइनेंस का एरिया बट अगर देखा जाए तो बैंक के अंदर भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एरिया बहुत वास्ट एरिया है ठीक है इसके अंदर शेड्यूलिंग हो रही है उसके अंदर कैशियर्स हैं उसके अंदर बैक एंड के ऊपर वो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं फंड्स और चेकस वगैरह कैश हो रहे हैं तो वो जो है दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ ऑपरेशंस तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द थ्री मेजर फंक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर टू कौन से हैं वन इज फाइनेंस द अदर इज मार्केटिंग अच्छा हमें पता होना चाहिए कि ये जो गुड्स और सर्विसेज uh, हैं ये कैसे क्रिएट होती हैं रीजन बिंग इसका एक जापान uh, uh, के अंदर एक्सपेरिमेंट uh, तो नहीं मैं कहूँगा उधर एक जरूरत पड़ गई उधर uh, एक इकनॉमिक डाउन टर्न आया तो उसकी वजह से कुछ फैक्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हो गई तो मैनेजमेंट ने इंस्टेड ऑफ फायरिंग दोज स्किल्ड वर्कर्स एंड इंजीनियर्स उन्होंने ये किया कि इनको फायर ना करें जब इकॉनमी बेहतर होगी तो ये फैक्ट्रियाँ फिर से चलानी पड़ेंगी तो हमें फिर से हायर करना पड़ेगा लोगों को तो बेहतर है कि इनको कहीं और इस्तेमाल करें तो उन्होंने उनको सेल्स के अंदर लगाया दे फाउंड आउट के सेल्स के अंदर जो सेल्समैन बड़े अर्से से काम कर रहे हैं उससे कई गुना बेहतर काम ये टेक्निकल स्टाफ जो था इंजीनियर्स और वर्कर्स का वो उनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रीजन क्या थी कि जो इंजीनियर्स और वर्कर्स थे उनको पता था कि ये प्रोडक्ट बना कैसे है इसमें क्या फंक्शन है इसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसको एक्सप्लेन करना उनके लिए बहुत आसान था उसकी वजह से वो सेल्स फोर्स में ज़्यादा बेहतर उन्होंने परफॉर्मेंस शो की तो इसलिए वी शुड बी अवेयर कि ये गुड्स और सर्विसेज ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं फिर ही हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं इसके बारे में एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि ये ऑपरेशन मैनेजर क्या जॉब परफॉर्म करता है ठीक है ना उसके अंदर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी बेताशा हैं तो उसके अंदर ये हमें अंदाजा होना चाहिए कि एक जो ऑपरेशन मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज uh, क्या हैं अगर हम देखें ऑपरेशन मैनेजमेंट को तो आम तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव या कॉस्टलीस्ट या कैपिटल इंटेंसिव फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनुफैक्चरिंग के अंदर तो क्लियरली नज़र आता है क्योंकि फैक्ट्री है प्लांट uh, है वो उसके अंदर पैसा सबसे ज्यादा लगा होता है और उसके अंदर लेबर uh, फोर्स भी सबसे ज्यादा होती है वर्कर्स सबसे ज्यादा होते हैं लेकिन इसके अलावा अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में भी चले जाएँ तो उधर भी मेजोरिटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है उसका एरिया बहुत वास्ट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप होटल्स में चले जाएं होटल्स के अंदर जो ऑपरेशन मैनेज मैनेजमेंट है उसका एरिया बहुत वास्ट है उसके कैपिटल इंटेंसिव है फैसिलिटी का वो सारा उनके अंडर आ रही होती है तो इस वजह से ऑपरेशन मैनेजमेंट क्योंकि इतना ज़्यादा उसके अंदर कैपिटल लगा होता है इतने ज़्यादा वर्कर्स उसके अंदर होते हैं जो मटेरियल परचेज़ किया जा रहा है अगेन होटल्स की अगर हम एग्जांपल लें तो मटेरियल एवरीडे वो खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्रॉकरी वगैरह है उसको इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं ये सारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कंट्रोल में आता है तो इट इज़ नॉट के मैनुफैक्चरिंग uh, में ही ऑपरेशंस मैनेजर का रोल है या ऑपरेशंस मैनेजमेंट का रोल है ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है